हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट आ गया है एंड आई हैव बीन सेलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर। तो फिलहाल मैं सीजीएल 2016 बैच के ज्वाइनिंग पे हूँ। टीए सीबीडीटी बैच जयपुर जोन मुझे अलॉट हुआ था, तो उस टाइम पे मैं अराउंड 5.25 मार्क्स से रह गया था जीएसटी इंस्पेक्टर के कट ऑफ से। उस टाइम पे जनरल की जो फाइनल कट ऑफ गई है दैट वाज 539.25 एंड माई स्कोर वाज 534। तो तब मुझे बड़ा दुख सा हुआ था कि क्या यार, कहाँ से 5.25 मार्क्स और आ गए होते, पता नहीं किसके पास गई मेरी कॉपी चेक होने, टीयर थ्री में सिर्फ 59 मार्क्स मिले, मतलब वगैरह वगैरह काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आए माइंड में। फिर सीजीएल 2017 दिया, उस टाइम पे जो फाइनल कट ऑफ गई इनकी वो थी 543.5 और मेरा स्कोर था 539.5। तो फिर से मैं 4 नंबर से रह गया। तो दोबारा फिर से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा कि क्या यार भगवान ये क्या कर रहा है अपने साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर फाइनली इस बार भगवान की दया से सब ठीक रहा। सीजीएल 2018 में इस बार कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर ओपन है और जीएसटी इंस्पेक्टर की मुझे पोस्ट मिल गई है। तो वो बच्चे जो नए हैं इस फील्ड में, जो जस्ट अभी इसकी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या जस्ट जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है या जिनका भी सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो उन सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये, इसकी जस्ट एक हवा क्रिएट कर रखी है इसकी हाई कट ऑफ जाने की वजह से और लाखों एस्पिरेंट्स इसके फॉर्म भरते हैं इस वजह से। अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करो, गिनी चुनी किताबें आपको बार बार पढ़नी हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो जाएगा। बस आपको नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। माइंड में आपके काफ़ी बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे जब आप इसकी तैयारी करोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्या हमने स्टार्ट कर दिया, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत लेथार्जिक एटीट्यूड है एसएससी का, प्रोसेस इसका बहुत लेंदी हो जाता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। बट देखो, ये तो किसी भी एक कंपटीशन की जब आप तैयारी करते हो तो एक जर्नी का एक हिस्सा है, इन सब चीज़ों से तो आपको गुजरना ही पड़ता है। बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा एसएससी पे गुस्सा आएगा, कभी खुद पे गुस्सा आएगा, कभी किस्मत पे गुस्सा आएगा, कभी सरकार पे गुस्सा आएगा, बट एंड ऑफ द डे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब 2-3-4 साल निकल जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक बार ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप इन चीज़ों को भूल जाओगे, फिर आपको लगेगा चलो, मतलब आदत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।